आज के फनकार सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज अफसाना एक ऐसी प्रतिभा का जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, वो लेखक हैं, वो गीतकार हैं। वो निर्माता निर्देशक हैं, वो शायर भी हैं और इसके अलावा वो हैं कमाल के किस्सको। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें गुलजार साहब की। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारी अतरी, बोनी बोनी बेरी उतरे, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। ए आनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियां तले, यारा बे यारा बे यारा बे, आनियां परदेसियां। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। आधे घंटे के आज के फनकार कार्यक्रम के समय में गुलजार की पूरी यात्रा और उनकी पूरी रचनाशीलता को समेटना यूं होगा जैसे हम बहुत छोटे से बर्तन में समुद्र को समाने की कोशिश करें। इसलिए आज के फनकार कार्यक्रम में उन फिल्मों की बातें जिनका निर्देशन गुलजार साहब ने किया है, यानी एक निर्देशक के रूप में गुलजार की यात्रा कैसी रही है, बस यही जानने की कोशिश करेंगे आज के फनकार कार्यक्रम में। आज हम यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला सन 1971 से। दरअसल सन 1971 वो साल था जब बतौर निर्देशक गुलजार साहब ने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था मेरे अपने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा। इस फिल्म ने इतना ज्यादा नाम कमाया कि पूछिए मत। एक निर्देशक के तौर पर गुलजार की धाक जम गई। Thank you.
मेरे अपने गुलजार के निर्देशन का कमाल थी और इसी वर्ष गुलजार ने एक और फिल्म का निर्देशन किया, यानी साल 1971 में ही आई अचानक। उलझे हुए रिश्तों की कहानी कहने में गुलजार का कोई जवाब नहीं है। वो इस मुद्दे पर जब अपनी कलम चलाते हैं तो एक से बढ़कर एक गाने भी सामने आते हैं। बतौर निर्देशक जब गुलजार की फिल्मोग्राफी आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत अलग अलग मुद्दों पर गुलजार ने फिल्में बनाई हैं। सन 1972 साउंड ऑफ म्यूजिक हॉलीवुड की कमाल की फिल्म से प्रेरणा लेकर गुलजार ने बनाई परिचय। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। सन 1972 में गुलजार ने बनाई फिल्म कोशिश। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार और जया भादुड़ी। फिल्म कोशिश एक दिव्यांग जोड़े की कहानी है। ये लोग न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं और इन्हें लगातार डर लगा रहता है कि कहीं उनकी संतान उनके जैसी ना बन जाए। फिल्म कोशिश के लिए गुलजार ने जीता सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का राष्ट्रीय पुरस्कार। गुलजार की ये यात्रा लगातार जारी थी। वो फिल्मों में गाने भी लिख रहे थे, संवाद भी लिख रहे थे और खुद फिल्में भी बना रहे थे। साल 1975 गुलजार ने कमलेश्वर की कहानी पर अपनी जबरदस्त फिल्म बनाई आंधी। तेरे बिना जिंदगी से कोई
जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। सौ 75 में ही गुलजार ने एक और फिल्म बनाई खुशबू। साल 1975 एक ऐसा साल था जब गुलजार की एक दो नहीं बल्कि 3 फिल्में आईं जिनमें उनका निर्देशन था। इस साल आई अगली फिल्म थी मौसम, जिसे मिला दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत है रात दिन, दिन
साल 1977 में गुलजार ने निर्देशित की फिल्म किनारा। इस फिल्म की बहुत सारी शूटिंग मध्य प्रदेश में मांडू में हुई। साल 1977 में गुलजार ने एक और फिल्म का निर्देशन किया। ये फिल्म बच्चों के अरमानों की, उनके बचपन की पड़ताल करने वाली एक अनूठी फिल्म है। इस फिल्म के कलाकार थे उत्तम कुमार, विद्या सिन्हा और मास्टर राजू। जी हाँ, ये फिल्म थी किताब। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ आ ए ए आ आ ए ए। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। साल 1979 गुलजार ने भक्ति काल की मशहूर कवित्री मीराबाई की जिंदगी पर अपनी फिल्म बनाई। इस महत्वाकांक्षी फिल्म में मीराबाई की भूमिका थी हेमा मालिनी। फिल्म मीरा का संगीत पंडित रविशंकर ने दिया था और इस फिल्म के ज्यादातर गीत गाए वाणी जयराम ने। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी न, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। ये वो साल था जब गुलजार अपनी कॉमेडी फिल्म लेकर आए अंगूर। यहां इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। दरअसल अंगूर गुलजार के गुरु बिमल रॉय की बनाई हुई फिल्म दो दुनी चार का रीमेक थी। दो दुनी चार का निर्देशन देबू सेन ने किया था। पर सवाल यह है कि दो दुनी चार तो खुद ईश्वर चंद विद्यासागर के लिखे नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी। लेकिन यहां एक और मजेदार बात है, भ्रांति बिलास जो ईश्वर चंद विद्यासागर का लिखा नाटक था, ये शेक्सपियर की रचना कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंगूर असल में कॉमेडी ऑफ एरर्स है। रात अकेले डर लगता है, जंगल जैसा घर लगता है। चलती है जब तेज हवाएं, लहराता हंटर लगता है। कितने हंटर गाऊं, प्रीतम आन मिलो हो। दुखिया जीवन कैसे बिताऊं, प्रीतम आन मिलो। साल 1982 में गुलजार ने एक और फिल्म बनाई नमकीन। आकी चली बाकी चली, चौरंगी में झांकी चली। पंत फते तट का बैगुन पूरा, भाड़ में जाए दुनिया, ओ भाड़ में
बैगुन पूरा। सन 1987 में आई गुलजार की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक इजाजत। इस फिल्म के लिए गुलजार ने जीता सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। ये फिल्म दरअसल रिश्तों में आई दरारों और अजनबियत की कहानी है। रेखा, नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल इस फिल्म के सितारे थे। राहुल देव बर्मन ने इस फिल्म में कमाल का संगीत दिया। साल 1990 में गुलजार ने बनाई राजस्थान की पृष्ठभूमि पर अपनी फिल्म लेकिन, और इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। साल 1996 गुलजार लेकर आए आतंकवाद की समस्या पर अपनी फिल्म माचिस। इस फिल्म ने जीता सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1999 गुलजार के निर्देशन में आखिरी फिल्म आई पानी पे छीटे उड़ाती हुई लड़की। देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छे छप छे छप्पा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। फिर से कहना आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। अभी तक आज के फनकार कार्यक्रम में हमने बातें की उन फिल्मों की जिनका निर्देशन गुलजार साहब ने किया। इसके अलावा गुलजार ने ढेर सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं और टेलीविजन के लिए भी काफी कुछ काम किया है। पर आधे घंटे के समय में गुलजार की रचनाशीलता के समुद्र को समाना नामुमकिन है। गुलजार साहब को हम दे रहे हैं जन्मदिन की अनगिनत बधाइयां। वक्त
आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार पर। हमने गुलजार निर्देशित फिल्मों की बातें की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।